एवरीवन, ये काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो है जो एनटीए एग्जाम होता है उसके बाद एमसीसी काउंसलिंग करती है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, जो उसका वेबसाइट mcc.nic.in, इसके मैंने तीन वीडियोस बना चुका हूँ, फोर्थ वीडियो ये बना रहा हूँ। फोर्थ वीडियो जो है वो एम्स के बारे में है। इससे पहले मैंने तीन वीडियो बना दिया जो मैं स्क्रीन पर दे देता हूँ और उसके लिंक नीचे भी होंगे। अगर ये वीडियो आप बाद में देखेंगे तो आगे वाले वीडियो के भी लिंक नीचे आ जाएंगे, अगर वो मैं रिलीज कर चुका हूँ। जैसे जैसे वीडियो आगे रिलीज होगा वैसे वैसे उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालता रहूंगा। तो आप सब टेलीग्राम चैनल पे वो मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका डिटेल नीचे है। आप मेरे को इंस्टा पे मिल सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। ये चैनल जो है उसमें कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और रिक्वेस्ट है लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। तो ये जो एम्स है इसके बारे में हम बात करते हैं। देयर विल बी फोर राउंड ऑफ काउंसलिंग इन एम्स, राउंड 1, राउंड 2, मॉप अप एंड स्टे वैकेंसी राउंड अक्रॉस द कंट्री विच विल बी कंडक्टेड बाय एमसीसी। ये सब आपको पता है, ये सबके लिए इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरी एंड जम्मू एंड कश्मीर सब एलिजिबल हैं इसके लिए। सर्टेन स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ एम्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हाईलाइटेड इन द एनटीए इंफॉर्मेशन बुलेटिन। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप नोट ऑफ द सेम बिफोर चॉइस फिलिंग। अ कॉपी ऑफ द सेम इज एनेक्स्ड एट एनेक्सर 6, वो मैं अटैच कर देता हूं अपने यही स्क्रीन पे। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गो थ्रू द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ एम्स फॉर चेकिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंडीशन सीट स्टेटस बिफोर अप्लाइंग फॉर द सेम। इन केस ऑफ सेड एलिजिबिलिटी कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड द सीट इज लाइकली टू बी कैंसल्ड। बेसिकली उसमें शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है 60% चाहिए होता है पीसीएम में और ओवरऑल, और बाकी में 50% चाहिए होता है मार्क्स। तो ये थोड़ा बहुत है, जनरली जो बच्चा क्वालिफाई करता है उसके इतने आते ही हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी फॉर एम्स, रिजर्वेशन पॉलिसी ऑलमोस्ट वैसा ही है। एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सेंट्रल लिस्ट में जिनका नाम है 27%, ईडब्ल्यूएस एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स जो 10% का है, बाद में चेंज हो जाएगा बता दूंगा। पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एज पर द नॉर्म्स 5%, फॉरेन नेशनल सीट्स। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पीडब्ल्यूडी कैटेगरी हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 3-5% इन एआईक्यू एंड 21 बेंचमार्क दिया हुआ है इसके लिए डिसेबिलिटी के, उसका डिटेल मैं दे दूंगा। यूजी सीट्स के लिए वो बेंचमार्क वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। फॉर द फॉरेन नेशनल सीट्स एनआरआई ओसीआई पीआईओ फॉरेन नेशनल कैंडिडेट विल ओनली बी एलिजिबल फॉर एनआरआई सीट्स एंड अनरिजर्व सीट्स फॉर द एनआरआई सीट्स एंड यूआर सीट्स फॉर द एकेडमिक ईयर 21-22। अब 22-23 के लिए क्या आएगा वो अगर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसमें रोस्टर, द रोस्टर फॉर द 100% एम सीट विल बी अप्लाइड बाय द एमसीसी ऑफ डीजीएचएस। ये रोस्टर वाला पॉइंट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा, मैं देखूंगा अगर कुछ क्लियर होगा तो इसके लिए वीडियो बना दूंगा। एलिजिबिलिटी एम्स के लिए डोमिसाइल फ्री है, क्वालिफाइड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी आप एम्स की अलग चेक कर लीजिएगा एम्स के वेबसाइट पे, जो 60% होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। अगर किसी को और कुछ पता हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। कन्वर्जन यहां भी होता है जब आपके पास वो कैंडिडेट मिले ही ना जिसका रिजर्वेशन है, जिसके लिए सीट आरक्षित है, रिजर्व्ड है, तो उसको सीट को कन्वर्ज कर दिया जाता है। तो इसमें भी कन्वर्जन, एसटी पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एसटी में, एससी पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो एससी में, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी का कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो सिर्फ अनरिजर्व में चली जाएगी वो सीट। ओबीसी पीडब्ल्यूडी में कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो ओबीसी में चली जाएगी। एसटी में नहीं मिला तो एससी में चला जाएगा। एससी में नहीं मिला अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस में नहीं मिला तो अनरिजर्व्ड, एनआरआई का कोई बच्चा नहीं मिला तो अनरिजर्व्ड। अब इसके बाद ईएसआईटी कोटा के लिए मेरा अगला वीडियो होगा। छोटे छोटे वीडियोस हैं, चैप्टर्स हैं, उनको आप देखिएगा और उस चैप्टर में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा ईएसआईसी कोटा का। वो होगा चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 5 में ईआईसी कोटा और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इंस्टीट्यूशनल के बारे में मैं बात करने वाला हूं, तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।